वेलकम टू भाई की भराई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई साहब जी कैसे हो? तो कान में हेडफोन्स डालो और पढ़ाई चालू करो। और अगर हेडफोन्स ना भी हो तो क्या दिक्कत है, कौन सा मैं गाली देता हूँ। अरे भाई सुनियो, तूने मेरे चश्मे देखे हैं कहीं? अबे हराम जाना यहाँ से, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। तो क्या बात हो रही थी? अरे हाँ, बैलेंसिंग तो सीख ली हमने। अब दूसरा टॉपिक जिससे सवाल आते हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसमें दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करके सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं। इजी तो है। और अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो लिख देना, रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल तुम खुद बता सकते हो अगर तुम्हें पुरानी बातें याद होंगी तो। याद करो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से 2 के एग्जाम्पल इसी टाइप में आते हैं। मैं देख रहा हूं पुराने टॉपिक की बात करते ही कुछ भाइयों की शक्ल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। एक तो है H2+O2 gives H2O, याद आया? ये चेंज ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल था। और दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल, CaO+H2O gives CaOH2। दोनों ही एग्जाम्पल में सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है 2 रिएक्टेंट से। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक रिएक्टेंट 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, यानी डीकम्पोज हो जाता है। अब अगर तुम्हें किसी चीज को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, वो अपने आप थोड़ी टूटेगा। तो इसी बेसिस पर 3 टाइप के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में यूज करी जाती है उस एक रिएक्टेंट को तोड़ने में। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम CaCO3 को हीट देंगे तो वो CaO+CO2 में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, इसमें एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। उदाहरण के लिए जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें H2 और O2 गैस मिलती है। तीसरा है फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन, इधर एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है। एग्जाम्पल AgCl सनलाइट लगते ही Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब आते हैं अगले टाइप पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे रिएक्शन में तुमको रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 लोग दिखाई देंगे, सिर्फ 2, जिसमें एक होगा मेटल और दूसरा होगा एक कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक अनायनिक और एक कटायनिक पार्ट होगा, कटायनिक पार्ट हमेशा एक मेटल होगा। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इन अनायनिक और कटायनिक पार्ट का ब्रेकअप हो जाता है और जो मेटल सिंगल था वो अनायनिक पार्ट को पटा के उससे बॉन्ड बना लेता है, और बेचारे उस कंपाउंड का कटायनिक पार्ट सिंगल रह जाता है। इसका भी एग्जाम्पल तुम पहले पढ़ चुके हो, Fe+CuSO4 gives FeSO4+Cu। यहाँ पे अकेला मेटल था Fe यानी आयरन, और यहाँ कंपाउंड का अनायनिक पार्ट है SO4 और कटायनिक पार्ट है Cu यानी कॉपर। कटायनिक पार्ट मेटल ही होता है, और इसके बाद जो हुआ वो तुम देख के समझ ही गए होगे। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Zn+CuSO4 gives ZnSO4+Cu, Pb+CuCl2 gives PbCl2+Cu। हर एग्जाम्पल में बेचारे Cu का कट रहा है। तो अब तो तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानना सीख ही गए होगे। चलो अब इसकी डेफिनेशन भी ध्यान से सुन लो, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट
जो कि रिएक्टेंट साइड में सिंगल होता है, वो कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। वैसे दोस्तों ये डेफिनेशन तुम रट लो, ये आगे वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। वैसे एग्जाम में रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने को आएगा, पर कभी कभार डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। यारो अब चौथे पार्ट पे आने से पहले एक कहानी सुन लो। दो कपल्स थे, यानी टोटल चार लोग। दोनों कपल्स का एक ही टाइम पर ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होते ही एक अजीब घटना हुई। फर्स्ट कपल के लड़के ने सेकंड कपल की लड़की को पटा लिया, और फर्स्ट कपल की लड़की ने सेकंड कपल के लड़के को पटा लिया। समझ गए ना यहाँ क्या झोल माल हुआ? और यही हमारी चौथी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी यही सेम चीज होती है। शुरू में यानी रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड्स होते हैं। दोनों कंपाउंड में एक अनायनिक और एक कटायनिक पार्ट होता है, और रिएक्शन होने के बाद ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। देखा, बड़ा इजी था। इस रिएक्शन को भी तुम इजीली पहचान सकते हो। लेकिन फिर भी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। PbNO3Hol2 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। अरे हाँ, कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं। वो प्रोडक्ट साइड में कटायनिक से कटायनिक पार्ट और अनायनिक से अनायनिक पार्ट जोड़ देते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स Na2Ba प्लस Cl2SO4। तो ऐसे गे और लेस्बियन टाइप के रिलेशनशिप मत बनाना, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है। याद रहे, हर कंपाउंड में एक कटायनिक पार्ट और एक अनायनिक पार्ट होगा। या फिर ऐसे याद कर लो कि हर कंपाउंड में बस एक मेटल होगा। जैसे यहाँ पर Na है, इसमें Ba, इसमें Na, इसमें Ba। यारो मेनली सवाल टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने का आता है, पर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो याद रख लेना। तो यारो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओए, तुझे अभी तक अपना चश्मा नहीं मिला? अच्छा सुन, ये कितनी उंगलियां हैं? मम्मी, ये फिर से मिडल फिंगर दिखा रहा है। Keep